मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इसमें से 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.5 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 5 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 7 करोड़ 79 लाख रुपए और महिला समूहों को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि का वितरण किया गया। अभी तक प्रदेश में 3,33,000 हेक्टेयर की खरीफ फसल की बोनी हो चुकी है। राज्य में इस सीजन में के लिए लगभग 48,20,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य पिछले सीजन की तुलना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले से धान का कटोरा कहलाता रहा है, लेकिन जब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुई है तब से देश के धान की कोठी कहलाने लगा है। पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन में छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में न सिर्फ सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, बल्कि देश भर में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। हम लोगों ने पिछले साल 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदा था। लगभग 24 लाख किसानों ने धान बेचा था। इस साल भी धान की फसल को लेकर किसान भाइयों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। अब तक जितनी बोनी हुई है उसमें धान की बुआई सर्वाधिक 2,82,930 हेक्टेयर में हुई है। इस साल हम लोगों ने धान खरीदे का लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखा है। इस बार भी हम जोर शोर से धान खरीदी करेंगे। हमारे पास क्षमता भी है, मनसा भी है और संसाधन भी। लेकिन मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि धान के साथ साथ खरीफ के अन्य फसलों को का रकबा बढ़ाने पर भी जोर दें, क्योंकि अन्य आज छत्तीसगढ़ में सभी फसलों का अच्छा मूल्य मिलता है। खरीफ की सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। यहां तक कि उद्यानिकी और वृक्षारोपण पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। खाद बीज के आप लोगों को कभी कमी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे गौठान में भी पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग करें। आज 5 जुलाई है। अभी तक हमारी कोशिश रही कि हर महीने के 5 और 20 तारीख को गोधन न्याय योजना की किस्तों का वितरण जरूर कर दिया जाए। अभी तक हमने बिल्कुल ठीक समय पर किस्तों का भुगतान भी किया है। अब आज योजना के एक और किस्त का भुगतान किया गया। आज गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल मिलाकर 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से 5 करोड़ 5 लाख रुपए गोबर विक्रेताओं को और 13 करोड़ 42 लाख रुपए गौठान समितियों को और स्व सहायता समूह को जारी किया गया। गोबर खरीदी की राशि में से 2 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों के द्वारा किया गया। अब तक 5,959 स्वावलंबी गौठानों द्वारा कुल 61 करोड़ 69 लाख रुपए के गोबर खरीदी की जा चुकी है। 17 जुलाई को हरेली है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भर में जोरदार तरीके से हरेली मनाई जाएगी। गौठान में भी खास आयोजन किया जाएगा। इस साल की हरेली में शासन की ओर से आम नागरिकों के लिए गेड़ी की खास व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग द्वारा, स्व सहायता समूहों द्वारा गेड़ियाँ बनाकर बेची जाएगी। इन गेड़ियों को वन विभाग के कार्यालय से, सीमार्ट से और गौठान से कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर खरीद सकता है। मैं आप सबको हरेली के अग्रिम शुभकामना देता हूं। अच्छी बरसात और अच्छी खेती किसानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिन गोबर विक्रेताओं और स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज राशि का भुगतान किया गया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब बोनी का काम भी तेजी से चल रहा है। जिनके पास ट्यूबवेल में पानी की व्यवस्था है वो नर्सरी तैयार कर लिए हैं, अब कुछ दिन रोपा भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में अब रोका छेका करने का समय आ गया है। और मैं सभी किसान भाइयों से, गौठान समितियों से, सरपंचों से, ग्राम के पटेलों से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि कल से लेकर 17 जुलाई तक रोका छेका का काम पूर्ण कर ले, क्योंकि अब फसल की रखवाली बहुत ज़रूरी है। और जो मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं उसे गौठानों तक लाएं, उसके चारे पानी की व्यवस्था
भी दुरुस्त कर लें। तो अब रोका छेका कल से प्रारंभ करने का निर्देश अधिकारियों को देता हूं, ताकि सभी जगह मुनादी करा दी जाए सभी गांव में, ताकि रोका छेका का काम शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।